नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राशि लूथरा। और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं बिग बॉस के घर के कुछ और अपडेट्स। जहां कल बिग बॉस की पहली नॉमिनेशंस की प्रक्रिया शुरू हुई, वहीं नॉमिनेशंस के बाद घर के बहुत से सदस्य पॉलिटिक्स करते दिखे। नॉमिनेशंस के बाद जो रिजल्ट सामने आया वो काफ़ी शॉकिंग था। मेरे साथ मेरी सहयोगी शिल्पा बनी हुई है, आइए जानते हैं कि वो क्या अपडेट्स लेके आई हैं बिग बॉस के घर के बारे में। हेलो राशि, कल फिर से हमें जलोटा जी ने कोई मसाला नहीं दिया जिसका मैं वेट कर रही थी। लेकिन हाँ, कल कृति ने उर्वशी को बोला कि वॉशरूम में बदबू आ रही है, तुम गई वॉशरूम इसलिए बदबू आ रही है। इस पे उर्वशी रोने लगी, उन्होंने बहुत ड्रामा क्रिएट किया कि मैं छोटे शहर से आई हूँ, मुझे जताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि मैं छोटे शहर से आई हूँ। लेकिन लास्ट में जब शो की एंडिंग हो रही थी, दीपक उन्हें बड़े प्यार से समझा रहे थे कि हमारी हम उस क्लास से नहीं आए हैं, अच्छी बात है, हमें समझा रहे हैं कि वॉशरूम कैसे यूज़ करना चाहिए, एक एक चीज़ की सीट ऊपर करनी चाहिए, ये वाली भी सीट ऊपर करनी चाहिए, फ्लश करना चाहिए, सब सिखा रहे थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये मुझे अच्छा लगा दीपक का कि उन्हें प्यार से बताया उन्हें कि हम सीख रहे हैं लोगों से, अगर वो अच्छी क्लास से आए हैं तो। शिल्पा जी, मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से दीपक ठाकुर अपने आप को दिखा रहे हैं बिग बॉस के घर में कि उन्हें सैनिटाइज़र यूज़ करना नहीं आता था या उन्हें टॉयलेट सीट यूज़ करनी नहीं आती थी, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो इतने ज़्यादा छोटे शहर से आए कि उनको एक टॉयलेट सीट भी यूज़ ना करनी आए और वो बिग बॉस में आके उसे यूज़ करना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरीके से दिखाया गया कि वो एक फिल्म में भी गा चुके हैं, उन्हें बहुत से होटल में रहने का भी मौका मिला होगा, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि उनको टॉयलेट सीट तक यूज़ करना नहीं आता होगा। हो सकती है कि अपने आप को बहुत नीचे दिखाना कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं बहुत आम फैमिली से, आम लोगों से आया, उठ के आया हूँ, मैं सेलिब्रिटीज़ के बीच में कुछ नहीं जानता, जिससे कि लोग उस पर दया करें और उसको वोट करें। ये हो सकती है स्ट्रेटजी, हो सकती है दीपक की, अभी देखना बाकी कैसे। लेकिन हाँ, बहुत इंटरटेन करता है वो लोगों को अपनी बातों से, ये मैंने देखा। और हाँ, श्री संत ने कल सॉरी मांगा खान सिस्टर्स को, तो अच्छी बात है, उन्होंने सबको सॉरी बोला जाके। और लेकिन आज वो लड़ाई करेंगे, बहुत घमासान लड़ाई होगी शिवाशीष और श्री संत के बीच में। वैसे बात तो ये सही बोले इन्होंने, जिस तरीके से दीपक उभरता हुआ आ रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत आगे तक जाएगा। क्योंकि जैसे ही दीपक और उर्वशी की जोड़ी नॉमिनेशंस में सेव हुई है अपने स्वीट नेचर की वजह से, मुझे तो यही लगता है कि वो बहुत आगे तक जाने वाले हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल भी बने हुए हैं, आइए जानते हैं उनके क्या सोच है बिग बॉस को लेके। राहुल, हेलो। हेलो राशि, अब की बार बिग बॉस जो 12 है वो थोड़ा सा अतरंगी है, क्योंकि इस बार जोड़ियों ने दस्तक ली है बिग बॉस 12 में, और काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे जिस तरीके से जोड़ियाँ अभी घर में आई हैं, लेकिन कहीं कहीं ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि जोड़ियाँ भी टूटनी शुरू हो चुकी हैं। अगर आपने कल का एपिसोड देखा होगा तो उसमें ये चीज़ साफ नज़र आ रही थी कि सौरभ और शिवाशीष के बीच में जो बात को लेकर, काम घर में काम करने को लेकर कुछ बहस हुई है, थोड़ी सी नोकझोंक हुई है, तो उसको लेकर लगता है शायद जोड़ियाँ भी अब टूटनी शुरू हो सकती हैं। अगर उनका यही रवैया रहा, यही पैतरा रहा खेलने का, तो शायद कुछ ना कुछ इसमें बदलाव आ सकता है। बिग बॉस में अगर आपको जाने का मौका मिला कभी, तो आप जाना चाहेंगे? कोशिश करूँ, अगर मेरे को मौका मिला तो जाने का बिल्कुल जाना चाहूँगा, एक बार एक्सपीरियंस करना चाहूँगा कि आप 24 घंटे, अगर यह देखा जाए तो पूरा 3 या 4 महीने का पूरा एक ड्यूरेशन होता है एक सीज़न का, तो आप बिना फ़ोन के और बाहर की चीज़ों से बिल्कुल कटे हुए होते हैं, तो उस वक्त आप कैसे अपने आप को उस टाइम को, उस पल को जीते हैं, तो वो चीज़ देखने को मिलेगी, बड़ी दिलचस्प होगी, तो एक बार कोशिश करूँगा जाने की। वैसे जैसे कि आपने कहा कि आप कोशिश करेंगे जाने की, जो इस बार की थीम है जोड़ी और सिंगल, बहुत सी जोड़ियाँ ऐसी हैं हमारे घर में जो बहुत फेमस हो चुकी हैं, तो आप सिंगल जाएंगे कि जोड़ी के साथ? मैं सिंगल ही जाना पसंद करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से या किसी मेरे जोड़ीदार की वजह से मैं घर से बाहर निकलूं या कुछ ऐसा देखने को मिले, जो कि अब हमें देखने को मिल रहा है कि जोड़ी फिलहाल डाउट में पड़ रही हैं। जी शुक्रिया राहुल। जैसे कि राहुल ने बताया कि जोड़ियाँ डाउट में पड़ रही हैं, इससे तो मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि जब सौरभ और शिवाशीष की लड़ाई हुई, जो जोड़ी साथ में ही अपने आप को संभाल नहीं पा रही, तो आगे जाके करेंगी क्या? मेरे साथ मेरे सहयोगी युधिष्ठिर भी बने हुए हैं, आइए जानते हैं उनकी क्या राय है बिग बॉस के बारे में। हेलो युधिष्ठिर। हाय युधिष्ठिर, बिग बॉस तो आप ज़रूर देखते होंगे। बिल्कुल, बिग बॉस मैं नहीं देखता हूँ बिल्कुल। क्यों? अरे फर्जी है, TRP के लिए सब करते हैं, कभी सपना चौधरी को बुला लेते हैं, अब क्या है अनूप जलोटा और जसलीन, बताओ। पहले एक कहावत सुनी होगी आपने कि उम्र 55 की दिल बचपन का, अब वो कहावत भी उल्टी हो गई है कि उम्र 65 की
और दिल बचपन का, कैसी हमारे भारतीय संस्कृति के अनुकूल कोई बात ही नहीं है। मतलब टीआरपी के लिए क्या कहां तक गिरना पड़ सकता है, आप इसको बिग बॉस को देखकर लगा सकते हैं अनुमान। और दूसरी बात, जहां हमारी जो नव पीढ़ी है वो इस चीज़ को देख के कैसे प्रेरणा कैसे प्रेरित होगी कि आखिर हमारे जो कुछ महान भाव थे इस तरीके से कर रहे, तो क्या हमें भी उसी दिशा में जाना चाहिए। ये एक गलत दिशा है, कहीं ना कहीं मुझे गलत लगता है। और टीआरपी के लिए आपने देखा कि सपना चौधरी आई, उन पर कुछ शब्द नहीं बोले जाते थे, हिंदी में ही वो बात करने में भी लड़खड़ाती थी, लेकिन ऐसे लोगों को लाया जाता है उनकी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। फालतू की चीज़ों पर क्या विश्वास करना है। अरे अपने जो काम, अब अनूप जलोटा जी को देखिए, भजन के गायकार बहुत अच्छे माने जाते थे, लेकिन देख रहे हैं कि अब बात खुल के सामने आई है कि भाई 28 साल की लड़की साथ में और खुद 65 साल के, और रंगोलियां मना रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है, सब गलत है। हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए गलत संदेश पहुंचेगा, तो मेरे हिसाब से ये गलत है। मैं तो देखता ही नहीं उस चीज़ को। जैसे कि आपने कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ी पे गलत संदेश पहुंचेगा, तो जनरेशन गैप अगर किसी भी लव स्टोरी में हो तो आप उसके खिलाफ हैं? बिल्कुल। क्यों? अरे देखो यार, 65 में और 28 में तो बहुत ज़्यादा वो है, अंतर है, वो तो एक अलग ही दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि भाई मतलब आप जा रहे हो को अब जा रहे हो उस पर काठी बोलते हैं उस पर जा रहे हो मरने के लिए, और कर रहे हो वो बिल्कुल अपने हिसाब जैसा काम, तो ये गलत है। यानी कि अरे वो देखो जो हमारी उम्र आ चुकी है, हमें जो काम करना है, हमें कुछ संदेश पहुंचाना है जनता के बीच, ऐसे संदेश पहुंचाएं कि हमने भजन गायकार बने, 65 साल तक हमने यही सीखा कि 28 साल की लड़की के साथ और हम अपना रंगोली बनाएंगे, ये क्या है, मुझे तो बहुत गलत लगता है। अगर आपको बिग बॉस के घर में जाने का मौका मिला तो आप जाना चाहेंगे कि नहीं? मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और दूसरी बात रही उसकी, जाने के लिए हर किसी को पैसा दिया जाता है जी। वहाँ आप ये ऐसे थोड़ी है कि भाई नॉमिनेट हो गया और आपको भेज दिया, ऐसे कुछ नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि वहाँ पैसे की सबसे बड़ी अहमियत है, वहाँ लोगों को पैसे के तौर पर लाया जाता है और उनको पब्लिसिटी करने के लिए, उनकी दिखाने के लिए उनको वहाँ लाया जाता है, ये है उनका मेन मुद्दा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ ठीक है, ये समाज के लिए एक व्यवधान डालने वाली चीज़ है, समाज को एक गलत दिशा में ले जाने वाली चीज़ है। शुक्रिया युधिष्ठर। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो बिग बॉस के घर में जाने के लिए ज़रूर हाँ कहूँगी, क्योंकि अगर आप बिग बॉस के घर नहीं गए तो क्या मज़ा लिया। मेरे साथ मेरी एक सहयोगी और बनी हुई है, आइए जानते हैं वो क्या सोचते हैं बिग बॉस के घर के बारे में। आपका स्वागत है। हेलो राशि, मुझे आप पहले तो ये बताइए कि बिग बॉस के घर में आपका सबसे फेवरेट सेलिब्रिटी या नॉन सेलिब्रिटीज में से कौन सा सदस्य फेवरेट है? मेरा फेवरेट तो मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको पता भी है कि मैं बिहार से हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा फेवरेट, और मतलब मे भी मेरा नहीं मतलब सबका फेवरेट अभी बन चुका है दीपक ठाकुर और उर्वशी, तो मेरा फेवरेट तो दीपक ठाकुर ही है जी। जैसे कि आप एक देख रहे हैं, एक नाम चीन सेलिब्रिटी करण सिंह वोरा, और उनको हम बहुत से रियलिटी शोज में भी देख चुके हैं, और उनका एक बहुत फेमस हुआ था एक शो जिसका नाम था सौभाग्यवती भव, जिसके अंदर उन्होंने बहुत अग्रेसिव रोल किया था, और वो ज़्यादातर अपने अग्रेसिव रोल के लिए ही जाने गए हैं, पर उनको हम बिग बॉस में बहुत ज़्यादा शांत देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके का बिहेवियर है उनका, या जो वो बहुत चुप से रहते हैं, वो बिग बॉस में ज़्यादा देर तक टिक पाएंगे? देखिए बिहेवियर ये होता है ना कि ऐसा नहीं है, वो उनकी जो रियल लाइफ है और ये इनका रियल लाइफ है, तो ऑब्वियसली वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि वो कैमरे के लिए उस टाइम काम कर रहे हैं, उन्हें जो स्क्रिप्ट बताई गई वो काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे करणवीर बोहरा हैं वो रियल दिख रहे हैं, मतलब वो अपनी रियल लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अब इंसान अपनी जो पॉजिटिव नेचर या नेगेटिव नेचर, जो रियल नेचर है, उस चीज़ को एकदम से साइड कर दे बिग बॉस के लिए, तो वो चीज़ तो शांत अगर उनका स्वभाव है तो वो तो दिखेगा ही, और ऐसा नहीं है कि वो टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि सीरियल से ही उनकी फ़ैन फॉलोइंग आई थिंक बहुत ज़्यादा है, जो उन्हें आगे तक आई थिंक ले तो जाएगी ज़रूर जी। शुक्रिया। अब जैसे कि आप बिग बॉस देखते हैं, बिग बॉस में एक अलग ही अंदाज है लोगों को उठाने का, लेकिन वो बहुत टाइम से एक ही तरीके से चले जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया है और उनको कुछ नया कॉन्सेप्ट लाना चाहिए? और अगर वो नया कॉन्सेप्ट लाते तो आपको क्या, आपकी क्या राय कि उनको क्या करना चाहिए नया बिग बॉस के घर? राशि मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब ये
सॉन्ग्स बजाकर उठाना आई थिंक सही है, क्योंकि हम शुरू से ये देखते आ रहे हैं। बट हाँ, थोड़ा सा अभी बोरिंग इसलिए लग रहा है ना, क्योंकि जो कंटेस्टेंट हैं वो पहले से प्रिपेयर रहते हैं कि गाना बजेगा और हमें उठकर सीधा नाचने लगना है, डांस करने लगना है, इंजॉय करने लगना है। तो वो चीज़ हमें भी मतलब एज अ व्यूअर पता रहता है कि अब गाना बजा और सारे उठेंगे और डांस करना शुरू कर देंगे। तो वो है ना कि ये चीज़ जो चलती आ रही है इतने सालों से बिग बॉस में, वो हमें पता है। तो थोड़ा सा नयापन लाना चाहिए, कुछ चेंज लाना चाहिए। अब वो तो बिग बॉस ही करेंगे कि किस तरह से वो चेंज लाएं, गाना हटाकर कुछ और कैसे उठाने की कोशिश करें। जी शुक्रिया। जैसे कि उन्होंने कहा, मुझे भी लगता है कि उनको थोड़ा चेंज लाना चाहिए, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट को देख देख के मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ। वैसे शिल्पा, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी। लास्ट सीज़न हमने देखा बहुत अच्छा था, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कौन होगी घर की अर्शी खान? अर्शी खान पठान सिस्टर्स होंगे मुझे लगता है, क्योंकि वो जो मुंह में आता है वो बोल देती है। हाँ, पठान सिस्टर्स ही लग रही हैं अभी तो मुझे, और तो सब बड़े ही सीधे हैं। और एक और बात कि अब की बार मैं देख रही हूँ जितने भी मेल कंटेस्टेंट्स आए हैं वो सारे शादीशुदा हैं। मुझे नहीं पता नहीं क्यों ऐसा बिग बॉस ने किया। और सारी फीमेल्स जो हैं वो नहीं हैं, वो सिंगल्स हैं, मोस्ट ऑफ देम सिंगल्स हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सिंगल होते तो राहुल वाला वक्त आ जाता वापस, राहुल की जोड़ी जो फेमस हुई थी। और हाँ, पीछे बहुत जोड़ी फेमस हुई है बिग बॉस में, तो वैसे ही होता तो मज़ा आता देखने में। और लड़कियों लड़का लड़कियों में जो क्लोजनेस होती है बिग बॉस में, तो देखते हैं कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी, कोई डैशिंग हीरो टाइप आए और कुछ प्रेम कहानी शुरू हुए तो मज़ा आएगा। आप क्या चाहती कि किसकी वाइल्ड एंट्री हो, जो आपके हिसाब से एक डैशिंग हो या लव स्टोरी स्टार्ट करवाना चाहेंगी? क्योंकि सिंगल तो लड़कियों में से भी कोई नहीं है वहाँ पे। सिंगल लड़कियाँ हैं, अच्छा सेलिब्रिटीज़ में नहीं है तो कॉमनर्स करेंगे। दीपक और उनकी जो आई हैं उनकी फ़ैन, वो भी कुछ नया कुछ करें, कुछ हमें पता अच्छा लगेगा। फिर कुछ डांस वांस करें, अपना भोजपुरी स्टाइल दिखाएं, वो गाना गाएं, वो डांस करें, तो ऐसा कुछ इंटरटेन करेगा। शुक्रिया शिल्पा। तो ये थे बिग बॉस के घर के कल के अपडेट्स। आगे के अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।